फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोई भी जो एंगल है वो किसी जो भी कोई भी वेक्टर है अगर डिफरेंट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो उसका कोसाइन ले लेते हैं, देन दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर्स के चैप्टर में हमने किया। और डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो इज एनीथिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। जनरली डायरेक्शन रेशियोज जो होती है उसको हम लोग स्मॉल ए स्मॉल पी और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम और एन से डिनोट करते हैं। और एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसमें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू वन। और एल एम एन, एल हमारे पास क्या होता है? ए ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एम इज इक्वल्स टू बी ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सिमिलरली एन इज इक्वल्स टू सी ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं उसको आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है, अदरवाइज वी आर हैविंग डायरेक्शन रेशियो। और नेचुरल सी बात है जब इन तीनों को स्क्वेयरिंग करके एडिंग करेंगे तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन होगा। ठीक है जी, अब इसमें एक एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, चाहे लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चाहे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है जी, तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे? लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है? स्पेस में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस होता है हमारे पास। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस वन इज ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और जेड वन है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, इट विल बी गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा y2 minus y1 comma z2 minus z1। और मैंने आपको बोला था या तो इसको बिना ब्रैकेट के रखते हैं या इस तरह से स्पेशल ब्रैकेट लिखी जाती है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब वेक्टर्स के चैप्टर में किया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या था, ए बी वेक्टर के अगर निकालते थे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता था। चेक कीजिए, ये भी कुछ उसी तरह से है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ए बी वेक्टर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, उसके जो कोफिशियंट्स होते हैं दोज आर आल्सो नोन एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। अंडरस्टैंड, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर किए जा सकते हैं। लेट अस सपोज जैसे मैं कहता हूं कि मैं यहां पे एक पॉइंट P ले लेता हूं x1 y1 z1। ठीक है, तो OP वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा? OP वेक्टर हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। एक्चुअल में ये होता क्या है, ओरिजिन से हम लोग माइनस कर करके निकालते हैं, यानी कि x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इट मींस अगर कोई वेक्टर है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं दोज कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन, नाउ व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर डायरेक्शन कोसाइन। जैसे डायरेक्शन रेशियोज से हम लोग उनके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं, इसी तरह से इसमें अगर हम लोगों ने डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं तो बेटा जी क्या हो जाएगा, डीसीज विल बी पहला हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर कॉमा, अब की बार दूसरा y वाला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1।
y2 minus y1 over, similarly ये सारी की सारी चीज फिर से यहाँ पे लिख लेनी है. एंड थर्ड वन इज z2 minus z1 divided by, और फिर से ये सारी की सारी चीज लिख लेनी है, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, वही बात, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. लेकिन क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्टेक्स होंगे, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नहीं कहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन कह लेते हैं. लेकिन अगर ये वेक्टर्स की फॉर्म में दिए होंगे तो हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के हिसाब से लिख सकते हैं. ठीक है बेटा जी, अंडरस्टैंड. Exercise 11.1. First question: If a line makes an angle of 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines. सीधी सी बात है, L क्या हो जाएगा? Cos of 90 degree. M क्या हो जाएगा? Cos of 135 degree. And N क्या हो जाएगा? Cos of 45 degree. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी एंगल्स दिए हुए हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, डायरेक्टली कोसाइन फाइंड आउट करना है. सो एल की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, एम की वैल्यू कॉस 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस 45, एम की वैल्यू 1 बाय रूट 2, देयरफॉर डीसीज आर क्या हो जाएगी, 0, 1 by root 2 and minus 1 by root 2. Understand? So this will be your answer for the first question. अब second question हमारे पास है, again important question for 2 marks. 2 marks के लिए second question important है. Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis. Coordinate axis के साथ equal angle बनाता है. Because the line makes equal angle with coordinate axis, equal angle with coordinate axis is equals to alpha say, मतलब consider कर लेते हैं कि वो angle alpha बना रहा है, then L will be equals to cos alpha, M will be equals to cos beta and N will be equals to cos gamma. और तीनों केस में हमारे पास बीटा और गैमा की बजाय हम लोग अल्फा ही लिख लेंगे, क्योंकि एंगल तीनों का सेम बना रहा है. आल्सो वी नो दैट आल्सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन की, तो एल और एम और एन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, इट एम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, और यहां से cos स्क्वायर अल्फा या cos अल्फा की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. प्लस माइनस का साइन इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में जब हम लोग लेते हैं तो प्लस का साइन भी आ सकता है, माइनस का साइन भी. हम लोगों को ये नहीं कहा कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल ही बन रहा है, एक्यूट एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर L is equals to plus minus 1 by root 3, M is equals to plus minus 1 by root 3 and N is equals to plus minus 1 by root 3. और collectively लिखना है तो इस तरह से plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3. इस तरह से हम लोग direction cosines लिख सकते हैं. ठीक है बतर जी? In the third question, it is given that if a line has the direction ratios हम लोग को given है, माइनस 18, कॉमा 12, कॉमा माइनस 4, फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. देयरफॉर सिंपल सी बात है, डीसी क्या हो जाएगा, माइनस 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, कॉमा अगेन 12 डिवाइडेड बाय सेम थिंग एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय सेम थिंग. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस 18 ओवर, हाँ जी 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, 324 प्लस 160 कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 484. चेक कीजिए
सिमिलरली दूसरा आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर अंडर रूट ऑफ 484 और तीसरा आ जाएगा -4 ओवर अंडर रूट ऑफ 484 और बेटा जी 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है सो इट विल बी -18 ओवर 22 कॉमा 12 ओवर 22 कॉमा -4 ओवर 22 इसके बाद 2 के टेबल में हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं इट विल बी -9 ओवर 11 कॉमा 6 ओवर 11 कॉमा -2 ओवर 11 देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन विल बी -9 बाय 11 6 बाय 11 एंड -2 बाय 11 हो सकता है ठीक है जी ओके स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन 3 पॉइंट हम लोगों को गिवन है एंड वी नीड टू प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर सबसे पहले ए बी के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं हम लोग कोसाइन की बजाय डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि कोसाइन जब फाइंड आउट करना है तो बेटा जी डिवाइड करना पड़ता है हम लोगों को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी देखें क्या हो जाएगा x2 -x1 -3 y2 -y1 -5 एंड z2 -z1 इज -3 ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी के इसी तरह से अब बी सी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC. अब BC के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं x2 -x1 इज 6 y2 -y1 इज 10 एंड z2 -z1 इज अगेन 6 क्लियरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर -2 टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB चेक कीजिए जरा अगर AB के डायरेक्शन रेशियोज को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज BC के आ रहे हैं तो इट मींस हम लोग क्या कह सकते हैं द 3 पॉइंट्स AB एंड C आर कोलिनियर वेक्टर्स के केस में भी हम लोगों ने यही कहा था कि रेशियो सेम होनी चाहिए A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2 और अभी हम लोगों ने कंसीडर किया कि A1 B1 C1 या A1 और A2 B2 C2 क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन रेशियोज इनके प्रोपोर्शनल हैं हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर इसका मतलब ए बी सी जो है 3 पॉइंट्स कोलिनियर अंडरस्टैंड फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा यहां पे गिवन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एक ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी और उसके हम लोगों को वर्टेक्स गिवन है A के वर्टेक्स हैं 3, 5, -4 B के वर्टेसेस आर गिवन एज -1, 1 and 2 एंड द वर्टेसेस ऑफ C आर -5 देन -5 and -2 ये 3 वर्टेसेस दिए हुए हैं मुझे ट्रायंगल ABC के और मुझे ये कहा गया कि उसकी साइड्स के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं साइड्स के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने मतलब पहले हम लोग साइड्स की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी और उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ चाहे ए सी लिख लीजिए चाहे सी ए लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे देखिए -1, -3 इज -4 1, -5 इज -4 एंड 2, +4 इज 6 ये हो जाएंगे ए बी के डायरेक्शन रेशियोज बी सी के डायरेक्शन रेशियोज -5, +1, 4 माइनस का -5, -1, -6 और उसके बाद -2, -2 इज -4 ये हमारे पास बी सी के डायरेक्शन रेशियोज एंड देन ए सी के डायरेक्शन रेशियोज -5, -3 इज -8 -5, -5, -10 -2, +4 इज 2 तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्शन को साइन के लिए पहले हम लोग ए बी वेक्टर का ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं या डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं बीसीज ऑफ देयरफॉर बीसीज ऑफ ए बी ए बी की बीसीज क्या हो जाएंगे सबसे पहले -4 ओवर डिवाइड करते हैं हम लोग -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कॉमा फिर से -4 ओवर एंड 6 ओवर ठीक है जी इट विल बी इक्वल्स टू -4 ओवर हां जी 16 प्लस 16 32 प्लस 36 68 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 68 दूसरा क्या हो जाएगा फिर से -4 ओवर अंडर रूट 68
और तीसरा 6/√68. √68 को हम लोग 2/17 लिख लेते हैं, 17 4 का 68 होता है. सो −4/2/17 −4/2/17 एंड 6/2/17. ठीक है जी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी −2/√17 −2/√17 एंड 3/√7. ठीक है जी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी. ठीक है बेटा जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. जैसे प्लस वन क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वहां पे हम लोग क्या करते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस एक्स वन. अब स्लोप क्या होती थी कि जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रही है, दैट वाज कंसिडर्ड एज द स्लोप. लेकिन अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो स्पेस की बात करने के लिए हम लोग को दो कंडीशन चाहिए होती है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. दो कंडीशन क्या होती है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन होनी चाहिए. गिवन डायरेक्शन का मतलब है कि हम लोगों को इसमें वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली गिवन डायरेक्शन मतलब कोई ना कोई एक वेक्टर दिया हुआ होना चाहिए. एंड दैट वेक्टर कैन बी द डायरेक्शन ऑफ लाइन इटसेल्फ और एनी वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन. मतलब क्या कि या तो लाइन की अपनी डायरेक्शन दी हुई होती है या लाइन के पैरेलल कोई और वेक्टर दिया हुआ होता है. और एक बात याद रखिएगा, पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो चाहे वेक्टर पैरेलल गिवन हो या लाइन गिवन हो उसके डायरेक्शन रेशियोस हम लोग यूज कर सकते हैं. दूसरी बात, इट पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अगर दो पॉइंट गिवन हो तो भी हम लोग लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए किस तरह से, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं. This is x-axis, this is y-axis, and let us consider this is z-axis. मुझे एक लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है L, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होना चाहिए A. Let us consider A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 and z1. ठीक है जी. दूसरा, मुझे एक लाइन इसकी डायरेक्शन दी हुई होनी चाहिए, या तो वो डायरेक्शन इसके ऊपर ही गिवन होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है जी, या क्या कि एक एनी अदर पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन रेशियो मैं इसके लिए यूज कर सकूं. और दूसरा है कि अगर पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहां पे बी है जिस तरह से x2 y2 एंड z2, तो यहां से मैं क्या है एबी लाइन की इक्वेशन भी बना सकता हूं. मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक पॉइंट और लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशियोस होनी चाहिए. वेक्टर होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो यूज कर लेंगे, नहीं होगा दो पॉइंट गिवन होंगे तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोस होते हैं, तो ये यहां से भी हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं. और वेक्टर दो तरह के इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की. पहली होती है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन हमारे पास होती है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. ठीक है जी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, वेयर a वेक्टर इज गिवन पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म. कोई भी पॉइंट गिवन हो सकता है जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. b वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन और पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हो जाएं या लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो तो बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है. एंड लैम्डा इज समथिंग कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट कंसीडर हो सकता है. लैम्डा हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो पैरेलल वेक्टर के कुछ सम कांस्टेंट मल्टीपल भी हो सकता है, या कोलिनियर वेक्टर में भी सम कांस्टेंट मल्टीपल हो सकता है. जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था कोलिनियर वेक्टर में कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा था, तो उस कांस्टेंट मल्टीपल को कंपनसेट करने के लिए हम लोग लैम्डा जो है डायरेक्शन रेशियोस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अंडरस्टैंड. अब जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा जी, वो दो तरह से फाइंड आउट की जाती है. पहली होती है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन और उसके बाद दूसरी होती है कार्टेशियन इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है. अब वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर हमारे पास जो गिवन पॉइंट है
और बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज हैं। लेट अब वेक्टर इक्वेशन मैं लिखता हूं, यहां पे देखिए जरा वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी। लेट आर वेक्टर जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। ए वेक्टर गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट मैंने क्या कंसीडर किया था एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेक्टर फॉर्म में एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप लिखते हैं। और जो बी वेक्टर है दैट वाज डायरेक्शन रेशियो, और कुकर जी उस डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कंसिडर करते हैं। और एक बार याद रखिएगा इधर ये जो b वेक्टर है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस b, ये b वेक्टर इज जस्ट एन एब्रीवेशन ऑफ अ वेक्टर, और जो ये b है दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। तो जनरली हम लोग इसको b वेक्टर ही रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग लिखना तो कुछ s वेक्टर लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। s वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो उस हिसाब से अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है जी। सो r वेक्टर विल बिकम इक्वल्स टू, जनरली जब हम लोग वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं ना तो r वेक्टर की वैल्यू में ही पुट करते हैं, r वेक्टर को एज इट इज लिख देते हैं। सो r वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद दूसरी होती है कार्टेशियन इक्वेशन। सेकंड क्या होती है हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन। अब वो कार्टेशियन इक्वेशन कहां से बनती है, वो वेक्टर इक्वेशन से ही बनती है। अब वो किस तरह से बनती है देखिए जरा, यहां पे मैं r वेक्टर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल्स टू x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ai कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है जी। अब यहां से ध्यान दीजिए, मैं जो ये वेक्टर है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जा रहा हूं, इट विल बिकम एक्स माइनस एक्स वन कार्टेशियन इक्वेशन। बाद में ये हेडिंग लिख देता हूं, पहले मैं यहां से डेरिवेशन आपको करके बता दूं। इट विल बिकम एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप is equals to, पता नहीं देखिएगा, a lambda i cap plus b lambda j cap plus c lambda k cap, ऐसे बना। अब जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो मैंने ये बताया था कि i cap will be equals to quotient of i cap, j cap वाला j cap वाले के बराबर और k cap वाला k cap वाले के बराबर। तो क्या हो जाएगा, x minus x1 will be equals to a lambda, y minus y1 is equals to b lambda, z minus z1 is equals to c lambda। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, x minus x1 over a is equals to lambda, y minus y1 over b is equals to lambda, z minus z1 over c is equals to lambda। और चेक कीजिए ये तीनों की तीनों वैल्यू lambda के बराबर हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द कार्टेशियन इक्वेशन विल बी गिवन बाय, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज, हमारे पास जो लाइन की स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आती है, x minus x1 over a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c, और ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, अंडरस्टैंड। अब यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से डेराइव होती है, लेकिन अगर हम लोगों ने डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन एंड व्हाट विल बी द वेक्टर इक्वेशन, तो आपको एक बात बता दूं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहां पे आपने पॉइंट पुट कर देना है वेक्टर फॉर्म में, जो पॉइंट गिवन होगा। यहां पे आपने क्या कर देना है, डायरेक्शन रेशियोज पुट कर देनी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है क्या होगा, x1 x माइनस पॉइंट over direction ratio is equals to y minus point over direction ratio is equals to z minus point over direction ratio। मतलब क्या है, direction ratio के बना वो denominator में point हम लोगों ने minus कर देना। And most important thing for this is, सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या होती है, x y z इनके coefficient plus one हमें चाहिए, x y z के coefficient plus one होने चाहिए,
और अगर प्लस वन नहीं है तो आप लोगों ने उस नंबर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देना, मतलब कह देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर। अंडरस्टैंड? कई बार होता है कि 3 - z/4 लिखा हुआ और आपको कहा गया कि पॉइंट बताइए क्या है। पॉइंट बताने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको लिखना है इस तरह से -z + 3/4, उसके बाद z - 3/-4, मतलब क्या कि माइनस के साइन के साथ आपको इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट z कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा और डायरेक्शन रेशियो -4 आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने डिवाइड करके बताना है और कोफिशिएंट इनके पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है पुत्र जी तो आप लोगों ने कोफिशिएंट पॉजिटिव प्लस 1 बनाना है। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस तरह की इक्वेशन में कई बार हमारे पास आंसर आ जाता था x - x1, लेट अस सपोज 2/0, z - 4/1, y - 4/1 एंड z + 2/0। अब यहाँ पे पता ये नहीं सोचना कि ये डिनोमिनेटर 0 आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उसमें ये नहीं कहना कि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 2, 4 और -2 में से पास हो रही है। -2 क्यों? z - z1 होना चाहिए। 2, 4 और -2 में से पास हो रही है और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 0, 1 and 0। अंडरस्टैंड? समझ लगी पुत्र जी? So this was all about the equation of the state topic is equation of line passing through 2 points. Simple सी बात है, capital A एक point है x1 y1 z1 और capital B मेरे पास दूसरा point है x2 y2 z2। ठीक है जी, तो equation of straight line क्या हो जाएगी? That will be equals to r vector is equals to a vector plus lambda time b vector minus a vector। यहां ए वेक्टर डिनोट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट और बी माइनस ए क्या डिनोट कर रहा है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और ये चीज क्या थी हमारे पास उत्तर जी? डायरेक्शन रेशियो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले पॉइंट और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो। अगर ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ए की जगह पे ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लेकिन अगर बी ए की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ए की जगह पे किसके पॉइंट आ जाएंगे? बी के पॉइंट आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। और अगर इसके बाद अगर हम लोगों ने कार्टीजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो कार्टीजियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? चेक कीजिए, x - x1 / x2 - x1 is equals to y - y1 / y2 - y1 is equals to z - z1 / z2 - z1। उत्तर जी ऊपर हमारे पास क्या है? पॉइंट। और नीचे हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियो। क्यों? x2 - x1, वो मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बताया कि x2 - x1 / y2 - y1 and z2 - z1 is the डायरेक्शन रेशियो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपके पास, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो होनी चाहिए, देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी।